बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA249 के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, माओं, बहनों और बेटियों, आप सबको मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज़ का सलाम। मैं आपसे बराह रास्त मिलकर कराची आकर आपसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं आप सबकी ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए आज इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका इलाका इस वक्त मसाइल से भरा हुआ है। आपके इलाके में सबसे बड़ा और बुनियादी मसला पानी की अदम फराहमी का है। अगर आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को अपने हलके से कामयाब कराया, जो कि मुझे यकीन है कि आप कराएंगे इंशाल्लाह, तो वो बल्दिया के हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पंपिंग स्टेशंस लगाएंगे, सड़कों, स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का नाम जब भी आता है तो हर शहरी के जहन में तरक्की, तामीर और अमन का ख्याल आता है। ये नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने कराची समेत पूरे पाकिस्तान को अमन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने 2 साल में आपके शहर में ग्रीन लाइन बनाई, जो इस नालायक और नाअहल हुकूमत की वजह से अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सकी। पोर्ट कासिम पर LNG प्लांट्स, कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स रिकॉर्ड मुद्दत में लगाए। अगर आप PMLN और मिफ्ता इस्माइल को अपनी खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह इस हलके की किस्मत बदल जाएगी। 29 अप्रैल को अपने घरों से निकलिए, कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ पोलिंग स्टेशंस जाइए, शेर के निशान पर मुहर लगाकर मिफ्ता इस्माइल को कामयाब कराइए। मुझे आप पर एतमाद है, इंशाल्लाह आप सही फैसला करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA249 के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बेटों, माओं, बहनों और बेटियों, आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और आपकी बेटी और बहन मरियम नवाज़ का सलाम। मैं आपसे बराह रास्त मिलकर कराची आकर आपसे अपने दिल की कुछ बातें करना चाहती थी, कुछ आपकी सुनना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना हो सका, क्योंकि कोरोना की वजह से मैं आप सबकी ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालना चाहती थी। इसीलिए आज इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका इलाका इस वक्त मसाइल से भरा हुआ है। आपके इलाके में सबसे बड़ा और बुनियादी मसला पानी की अदम फराहमी का है। अगर आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को अपने हलके से कामयाब कराया, जो कि मुझे यकीन है कि आप कराएंगे इंशाल्लाह, तो वो बल्दिया के हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ पंपिंग स्टेशंस लगाएंगे, सड़कों, स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्क्स और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ का नाम जब भी आता है तो हर शहरी के जहन में तरक्की, तामीर और अमन का ख्याल आता है। ये नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने कराची समेत पूरे पाकिस्तान को अमन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने 2 साल में आपके शहर में ग्रीन लाइन बनाई, जो इस नालायक और नाअहल हुकूमत की वजह से अभी तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सकी। पोर्ट कासिम पर LNG प्लांट्स, कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स रिकॉर्ड मुद्दत में लगाए। अगर आप PMLN और मिफ्ता इस्माइल को अपनी खिदमत का मौका देंगे तो इंशाल्लाह इस हलके की किस्मत बदल जाएगी। 29 अप्रैल को अपने घरों से निकलिए, कोरोना की एहतियाती तदाबीर के साथ पोलिंग स्टेशंस जाइए, शेर के निशान पर मुहर लगाकर मिफ्ता इस्माइल को कामयाब कराइए। मुझे आप पर एतमाद है, इंशाल्लाह आप सही फैसला करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाएगा।